है धान का, 15 से 16 बंदे हैं लेबर में, ऐसे डाल देते हैं। मशीन का क्या रेट है, कितने की पड़ती है, क्या किराया लेती है, सारा बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। ये आ रही है धान निकल के। कितने की ली थी उस टाइम ये मशीन, तेल कितना खाती है लगभग, एक मतलब एक एकड़ का कितना और घंटे में कितना खावा ट्रैक्टर, ये महिंद्रा 555। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में ऐसी मशीन दिखाऊंगा आपको जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, क्योंकि बहुत कम एरिया में चलती है वो मशीन। तो कृपया जो वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें करो भाई, उससे प्रोत्साहन मिलता है, बहुत दिल को खुशी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। अब बात करते हैं ये मशीन की। ये थ्रेसर है धान का, ऐसे इसमें धान डाल देते हैं और ये निकालती है। सारी डिटेल बताऊंगा इसकी मैं, कृपया वीडियो में बने रहें, भी कितनी लेबर क्या काम करती है कैसे होता है सारा बताऊंगा। ये सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे मशीनें हैं, हमारे गांव में 2 मशीनें हैं ये, तो इन्होंने लेबर बना रखी है अपनी, 15 से 16 बंदे हैं लेबर में। पहले दिन वो कटाई कर देते हैं, ऐसे देख सकते हैं आप, कटाई करने के बाद वो ऐसे बाले अलग करके रख देते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन ऐसे मशीन लगा के इकट्ठा करके और उसमें निकाल देते हैं, ये ऐसे डाल देते हैं और फिर निकल जाती है। मशीन का रेट कि क्या खर्चा आता है सारी बताऊँगा आपको, ऐसे धान निकल जाती है। मशीन का क्या रेट है, कितने की पड़ती है, क्या किराया लेती है सारा बताऊँगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। कितना तेल लेता है ट्रैक्टर, महिंद्रा अर्जुन 555 DI ट्रैक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर, और गेहूं वाले थ्रेसर से कम लोड ले रहा है। ये देखिए जब वहाँ से डालते हैं उसके अंदर एकदम झटका, और इधर से कबाड़ निकाल देती है धान का या जीरी जो भी जहाँ बोलते हैं, देख सकते हैं आप ऐसे निकाल देती है। और कृपया कमेंट जरूर करें, जिसने ये मशीन पहले देखी है और जिसने नहीं देखी कमेंट करें ज़रूर भी, हाँ हमने देखी है या हमारे यहाँ है, जिससे मुझे पता लगे भी कितने एरिया में मशीन है, कमेंट करें ज़रूर। तो ऐसे ही सारी वो ले आएंगे, ये सिस्टम है ऐसे सारा, यहाँ से डाल देता है धान अंदर, इसमें बिल्कुल गेहूँ वाले की तरह काम करता है ये, ऐसे ही। ये आ रही है धान निकल के, यहाँ से कबाड़ निकल रहा है, जो कबाड़ है इसके अंदर कबाड़ को बाहर निकाल रही है, और कचरा दूसरी तरफ और धीरे यहाँ आ गई है। एक बार तो जब इसके अंदर धान को डालते हैं दबा देती है ट्रैक्टर को बिल्कुल मशीन, पर फिर भी मेरे को लगता है भी जो गेहूँ निकालने वाला थ्रेसर है उससे कम जोर लेता है ये। आप भी कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं।
हाँ, ये ड्राइवर से बात कराता हूँ मैं आपके ड्राइवर भाई से। आज अपनी खेत में चल रही थी ये अपने वाला ट्रैक्टर खड़ा है, फार्म ट्रैक 60 डिलेक्स, और बरसात हुई थी हमारे यहाँ 4 दिन काफ़ी, कितना गिल्ला है देखो, खाली में भी गड़ांत काट दिया ट्रैक्टर ने। ये भाई हमारे गांव से ही हैं जो इस मशीन को चलाते हैं, इनसे करते हैं बात सारी। सबसे पहले तो नाम भाई? जसपाल। अच्छा, पावनी कला से? अच्छा, तो कितने दिन हो गए चला रहे आप ये मशीन? 3 हो गए जी, 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन अब के सीजन में? पहले कितने साल से, मेरे मतलब पूछने का मतलब है कितने साल से? 6 साल। 7 साल तो कितने की ली थी उस टाइम ये मशीन? 1,60,000 की। 1,60,000 रुपए की। तेल कितना खाती है लगभग, एक मतलब एक एकड़ का कितना और घंटे में कितना खावा ट्रैक्टर ये महिंद्रा 555? एक एकड़ में 5 लीटर तेल खाता है। अच्छा, घंटे में? हाँ, एक घंटे में 5 लीटर लेगा, एक किले में 1 घंटा लगता है जी। अच्छा, और किराया कितना है इसका, कितना किराया लें इसके? 1700 रुपये लेते हैं जी। 1700 रुपये एक किले के? और लेबर के? लेबर के जी, लेबर खेत के देख कर लेती है जी, नॉर्मल रेट है 4500 रुपये। अच्छा, नॉर्मल रेट है 4500 रुपये का। जो बाहर निकालना उसका अलग रेट लेती है जी, घर पड़े गिरे उसका अलग लेती है। अच्छा, जो मतलब गिरे हो या हो कुछ और उसका ज़्यादा रेट है? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं ऐसे मतलब गिल्ले खेत की ज़्यादा हुआ है ये माहिर मतलब मशीन। हमारा मशीन का एक ही रेट है जी। अच्छा, मशीन का एक ही रेट है? 1700 रुपये। हाँ जी। तो ट्रैक्टर तो मतलब ठीक चला है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं आती जी। अच्छा, तो ये रिव्यू था भाई का इसका जो चलाता है इसको मशीन को। मुझे लगता है तकरीबन सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं बता दूँगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।